देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ क्यूबॉइडल वेजल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि क्यूबॉइडल वेजल है जिसकी लेंथ 10 मीटर है और उसकी चौड़ाई 8 मीटर है, तो हमसे पूछा गया है उसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए कि उसमें जो है 380 मीटर क्यूब लिक्विड आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करें, जो जो चीज़ें हमें गिवन है उनको लिख लें। एल इसकी गिवन है कितनी है, 10 मीटर। उसके बाद हमें बी गिवन है इसकी 8 मीटर, हमें हाइट इसकी निकालनी है। ठीक है, और हमें इसका जो है वॉल्यूम यानी कैपेसिटी हमें यहाँ पर गिवन है। तो जो वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम कितना है, 380 क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें इसकी हाइट को फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें जो वॉल्यूम गिवन है उसी का यूज़ करके हम जो है हाइट निकालेंगे। वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है इक्वल टू में 380। इसको ऐसे ही रखेंगे, एल कितना है 10, बी कितना है 8 और एच कितना है हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 380 आ जाएगा। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 380 आ जाएगा। जब एच की वैल्यू निकालेंगे, आपको मालूम है जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ में जो मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल वाले के अपॉन में आ जाता है, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 टाइम कट जाएगा और ये 19 टाइम कट जाएगा। तो एच की जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 19/4 आ जाएगी, और जब हम एच कि जो है डेसिमल वैल्यू निकालेंगे यानी 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 16, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 आ जाएगा और यहाँ पर 5, इतने मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर।